बताऊंगी बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि आप लोग उस प्रोडक्ट का रिव्यू देख चुके हो और उस प्रोडक्ट के बारे में आप लोग भी जानते होंगे। बट गाइज आज आप लोग मेरे चैनल पे देख रहे हो एंड मैं ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा, क्योंकि आई थिंक मैं ये ऐसा इस टाइप का जो प्रोडक्ट है मैंने अपने चैनल पर रिव्यू इसका दिया हुआ है। मैंने इससे पहले इस टाइप का प्रोडक्ट का रिव्यू आई थिंक नहीं दिया हुआ है, आई थिंक मैंने नहीं दिया हुआ है कि जिस प्रोडक्ट के लिए मैं इतनी ज़्यादा मतलब होता ना उतावली एंड क्या उसको क्या बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटमेंट फील करूँ। सो गाइज एंड मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एंड जिन लोगों को भी कंफ्यूजन है कि इस प्रोडक्ट को लेने से पहले कि यस ये वर्क करता है कि नहीं, सच्ची में ये मतलब अच्छा है कि नहीं, इससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना, आप लोगों के सामने मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू लेके आई हूँ। एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना एंड जो लोग पुराने होंगे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना गाइज। अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो आप लोग शेयर जरूर करना। सो चलो ज़्यादा बातें ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज वो जो प्रोडक्ट है सो ये रहा, तो आप लोग तो इसके पैकेजिंग देख के ही जान गए होंगे कि प्रोडक्ट कौन सा है, इसका तो नाम बताने की ज़रूरत ही पड़ेगी बट फिर भी मैं आप लोगों को इसका नाम बताती हूँ। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड आइसक्रीम मास्क गाइज। तो जी हाँ गाइज मैं ये आइसक्रीम मास्क है जिसका मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज एंड लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ कि ये मास्क मुझे कैसा लगा। तो ये मास्क मुझे अभी रिसीव हुआ है और इस मास्क को मैंने अमेजोन से मंगवाया है, मैं भूल गई थी क्योंकि मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाने वाली थी इसलिए। तो इस आइसक्रीम मास्क को मैंने अमेजोन से मंगवाया है एंड आज ही मुझे रिसीव हुआ है, मैं सोची चलो मैं आज ही आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करती हूँ। और ऑनेस्ट रिव्यू मैं इसलिए आप लोगों को बोली क्योंकि मैं आप लोगों के सामने इसका लाइव रिजल्ट करने वाली हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस एंड अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो गाइस सबसे पहले मैं इस पैकेजिंग की बातें कर लूँ तो इस पैकेजिंग में तो मतलब चाइनीज़ कोरियन टाइप का लिखा हुआ है तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आएगी, जो इंग्लिश में मैं आप लोगों को वही बता देती हूँ। तो इसमें सैलिसिलिक एसिड आइसक्रीम मास्क लिखी हुई है एंड इसमें अगर इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूँ तो इसमें बहुत ही सारे इंग्रेडिएंट्स मिली हुई है, इसमें एलोवेरा जेल है एंड सैलिसिलिक एसिड है, सोडियम, मतलब बहुत ही सारा इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसा मिला हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आप लोग यहाँ पर अगर देख सकते हो तो यहाँ पर देखो गाइस यहाँ पर बीच में इंग्लिश में ऐसे दिया हुआ है इंग्रेडिएंट्स और बाकी सब इसमें कोरियन टाइप का लिखा हुआ है तो मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी प्राइस जो है आपको मुझे तो अराउंड 300 का कुछ आसपास मिला है गाइस। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहला चीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो मैंने गलती किया ना आप लोग वो गलती मत करना, क्योंकि मैंने ना फर्स्ट टाइम में इतनी बड़ी पैक मैंने मंगवा ली है। तो आप लोग अगर फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रहे हो ना तो आप इसकी छोटी पैक मंगाना जो कि अराउंड 100 के आसपास मिल जाता है। मेरी तो गलती हो गई, मैंने इसको ही ऑर्डर कर लिया और जब मैंने ऑर्डर कर लिया तब मेरा दिमाग आया कि अरे मेरे को छोटा पैक ऑर्डर करना चाहिए था। इसी कारण गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रहे हो तो आप इसे छोटा सा पैक मंगा लो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज़ करो क्या पता आपको अच्छा लगे नहीं, चलो फालतू में पैसा किस लिए वेस्ट करना, मेरा तो वेस्ट हो गया बट मैं क्या कर सकती हूँ, कोई नहीं चलो। और दूसरा चीज़ ये गाइस कि इस प्रोडक्ट को जैसा कि मैं वीडियो में देख रही हूँ कि ऐसे ऐसे मतलब लोग लगाते हैं एंड तुरंत आपकी जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लियर हो जाती है, तो मैं वही देखना चाहती हूँ गाइस कि ऐसे सच्ची में ऐसा होता है कि नहीं, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किसे लगानी चाहिए किसे नहीं लगानी चाहिए। तो वैसे तो मैं अभी बता नहीं सकती आप लोगों, तो चलो मैं इसको लगा के देखती हूँ। एंड दूसरा चीज़ गाइस कि आप ये देखो कुछ इस तरीके की ट्यूब आएगी, तो आप ये देख लो। तो गाइस चलिए मैं इसको देखती हूँ लगाने के बाद कि कैसा रिज़ल्ट आता है एंड कैसा मुझे लगता है। एंड सबसे पहला चीज़ गाइस कि मैं इसको हाथ में लगा के देख चुकी हूँ, ठीक है, तो मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि आप स्किन में कुछ भी लगाने से पहले ना, कोई भी न्यू प्रोडक्ट लगाने से पहले ना, आप अपने हाथों में ज़रूर ट्राई कर लेना गाइस, बिकॉज ऐसा क्या होता है ना कि जो लोग किस बहुत इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जिनकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, कुछ भी लगाने से ना उनके चेहरे में पिंपल्स के दाने निकल जाते हैं, तो जिन लोगों की स्किन ऐसी है ना, तो आप पहले ना अपने हाथों में ट्राई करके देखिए करो, उसके बाद अपनी स्किन में लगाया करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो और आपको आपकी स्किन में जो आप जो भी चीज़ लगाना चाहते हो वो लग भी जाए।
सो गाइस पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सैलिसिलिक एसिड है मतलब उसका काम क्या है। तो एसिड है गाइस, ये सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड का मास्क, एसिड मास्क, क्रीम वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। एंड गाइस ये ज़्यादा करके ना उन लोगों को भी सूट करता है जिस स्किन पे डेड लेयर हो गए हैं एंड पिंपल्स हो गए हैं, वाइट हेड्स हो गए हैं, ब्लैक हेड्स हो गए हैं एंड एक्ने की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों पे ज़्यादा करके ये सूट करता है और उन लोगों के लिए ही ज़्यादा करके ये यूज़फुल भी है। और आप जैसे जानते हो कि ये सैलिसिलिक एसिड है, तो एसिड आपके स्किन को क्या करता है वो आप लोग भी जानते हो, एसिड का मतलब क्या होता है। सो गाइस इसका वर्क यही है कि अगर आपके चेहरे पे कोई डेड लेयर हो गई है तो आपको उस डेड लेयर को हटाता है एंड आपकी जो स्किन में प्रॉब्लम है वाइट हेड्स की एंड पिंपल्स वगैरह की, वो आपको क्लियर करता है, आपके एक आपके चेहरे को ना क्लियर एक नरिशमेंट आपको प्रोवाइड करता है। सो गाइस लाइव वीडियो एंड लाइव रिजल्ट भी दिखा देती हूँ आप लोगों को कि ये कैसा लगता है एंड इसे यूज़ करने के बाद मतलब हमारे चेहरे में क्या क्या से मतलब इफेक्ट आते हैं एंड क्या क्या से डिफरेंट मतलब अलग सा कुछ लगता है। सो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ कि मुझे भी देखना है सच्ची ऐसा कुछ होता है क्या, जैसे ब्लैक ब्लैक से जो होते हैं ना इसको लगाने के बाद निकल जाते हैं, तो मुझे भी देखना है कि सच में ऐसा होता है। सो चलो गाइस वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने हाथों में पहले से ट्राई कर चुकी हूँ, तो ये देखिए। सो इसको मैंने अपने हाथों पे ले लिया एंड ये पता है क्या, ये देखिए गाइस ये जो है ना आपको ये जस्ट एलोवेरा का टाइप का है गाइस, जस्ट लाइक एलोवेरा जेल, मतलब जैसे एलोवेरा जेल होता है वैसे ही है, ये ट्रांसपेरेंट है जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे मैंने आप लोग बताया कि एलोवेरा जेल ही है सोचो तो। सो और आप अपने चेहरे में लगाने से पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लें। मैं अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन की हुई हूँ और मेरे चेहरे में कोई मतलब क्रीम वगैरह नहीं है, तो मैंने अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन किया हुआ है। सो आप ये देखो गाइस बिल्कुल लगाने के बाद ना मतलब लग रहा है कि मैं एलोवेरा जेल ही लगा रही हूँ, कुछ इस तरीके का लग रहा है। उसको लगाने के बाद ना आप अराउंड 15 से 20 मिनट्स आप रखो, उसके बाद आप इसको वॉश कर लो। सो मैं आप लोगों को सामने ही दिखाऊंगी। सो मैंने एक साइड लगा लिया है, एक साइड नहीं लगाया है, तो चलिए चलिए तो 20 मिनट्स का वेट करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। फिलहाल मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि इसको लगाते ही जस्ट मेरी स्किन जो है ना बहुत ठंडी ठंडी से लगने लगा कि मैंने कुछ आइस होता है ना आइस, मैंने अपने चेहरे पर आइस लगा रखा हुआ, कुछ इस तरीके का लग रहा है, ठंडी ठंडी सा लग रहा है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी सा लग रहा है। तो बट चलो देखती हूँ कि क्या होता है, हाथों में तो कुछ नहीं हुआ, स्किन में देखती हूँ क्या होता है। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ 20 मिनट्स बाद। कि सच में वर्क करता है, वाओ कि सच में ऐसा रिजल्ट देता है, मुझे मालूम नहीं था, सच में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस। सो गाइस जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि 20 मिनट्स इसे रखना है, तो 20 मिनट्स हो चुका है गाइस, और जैसा कि आप लोग मेरे स्किन में देख रहे हो कि सच्ची में जैसे वीडियो में दिख रहा था वैसे ब्लैक ब्लैक सा आ गया है गाइस, आप लोग ये देखो, मतलब ये सच में वर्क करता है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग हैरान नहीं हो, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये क्या है मैंने लगाया अपने फेस पर। सो गाइस ऐसा कुछ वर्क नहीं किया, मुझे कुछ डिफरेंट नहीं लगा, बस मुझे हल्का सा ठंडी ठंडी से लगा। तो चलिए मैं इसको क्लियर करके देखती हूँ कि कैसा रिजल्ट आता है। और ये जो आप देख रहे हो ना ब्लैक ब्लैक सा, तो वो जवाइन जो होता है ना, जो मंगरेला जवाइन जिसको बोलते हैं, तो वो मंगरेला है गाइस, जो जिसको हम लोग जवाइन मंगरेला बोलते हैं, तो वही मंगरेला है। सो आप ये देखो। सो चलिए मैं इसको क्लीन करके देखती हूँ। तो मैं इसको क्लीन करने के लिए एक बॉटल ले रही हूँ क्योंकि ये मेरे चीज सुबह तक नहीं है मेरे पास, तो चलिए। सो आप ये देखो गाइस सिर्फ ये ब्लैक ब्लैक तो जो लग रहा है ना वही हट रहे हैं। तो सो गाइस मैं आप लोगों को दूसरा कॉटन से भी दिखाती हूँ। सो आप लोग देख सकते हो गाइस ऐसा कुछ नहीं है,
तो गाइस आप लोग देख सकते हो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है और गंदगी भी नज़र नहीं आ रही है। अगर मैं अपनी स्किन की बात करूँ तो गाइस छूने में तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट सा नज़र लग रहा है, मतलब स्मूथली सा लग रहा है, बट मेरी स्किन के जो टेक्सचर है उसमें तो मुझे कोई डिफरेंट नज़र नहीं आई और ऐसा कुछ नहीं लगा कि हाँ मेरा जो ओपन पोर्स है या जो वाइट हेड्स है ब्लैक हेड्स है वो निकल गए हैं, तो ऐसा तो कुछ मुझे नहीं नज़र आया। तो मैं आप लोगों को बता दूं गाइस कि इसको लगाने के बाद ना आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी से लगता है। एंड हाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि हल्की सा जो आपको लगेगा ना कि स्किन आपकी ना थोड़ी क्लियर हो गई है। तो गाइस एक बार से आपको क्या पता चलेगा, आप इसको अगर ट्राई करते हो वीकली में एक बार ट्राई करते हो या कुछ मंथ तक ट्राई करते हो तो उसके बाद आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा कि ये कैसा है। और इसको लगाने के बाद तो मेरी स्किन थोड़ी सी क्लियर हो गई है, मतलब मैं देखो तो इसी स्किन से ये स्किन थोड़ी सी क्लियर हो गई है इसको लगाने के बाद और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा भी लग रहा है, मुझे अच्छा लगा। मतलब जैसा ये बता रहा था उस टाइप का नहीं है, मैं उस टाइप का नहीं बोलूँगी कि उस टाइप का जैसे वो दिख रहा है वीडियो में कि आप लगाए और तुरंत आपका सारा क्लियर हो गया, वैसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप इसको अगर एक बार लगाते हो ना और इसको आप क्लीन करते हो तो आपकी स्किन थोड़ी सी क्लियर दिखेगी, ज़रूर दिखेगी। और मेरी तो स्किन थोड़ी सी क्लियर दिख रही है गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को अपनी ऑनेस्ट रिव्यू में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे इसको लगाने के बाद ठंडी ठंडी सी लगी एंड इसको जब मैंने वॉश किया तो मुझे थोड़ी सी स्किन अपनी जो है वो क्लियर नज़र आ रही है। और जैसे कि आप लोग वीडियो में सारी वीडियो में देख रहे हो कि मतलब जितनी वाइट हेड्स है ब्लैक हेड्स है सारा निकल गया है एकदम से, तो वैसा कुछ नहीं होगा गाइस कि आपकी एकदम से आपके जो स्किन के जितनी भी डेडी लेयर है एंड ओपन पोर्स जो भी होता है आपके जो निकल जाए तो वैसा कुछ भी नहीं निकलने वाला है गाइस, आपकी स्किन थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी सॉफ्ट हो जाएगी और कुछ नहीं, आपको ऐसा कुछ जितना दिख रहा है वैसा कुछ नहीं होने वाला है। एंड अगर आपको फिर भी यूज़ करनी है तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी आप थोड़ा सा ट्यूब लो उसके बाद आप यूज़ करो, उसके बाद आप लोगों को अच्छा लगता है तो फिर आप लोग कंटिन्यू करना, वरना आप लोग ट्यूब का पैसा किस लिए वेस्ट करोगे अगर जिसको यूज़ नहीं करनी है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि जिन लोगों की स्किन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है वही लोग ज़्यादा करके यूज़ करें, एंड जिन लोगों की स्किन कुछ प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बोलूँगी गाइस आप लोग यूज़ मत करो अगर आप लोगों के चेहरे में कुछ भी नहीं है तो। एंड जिन लोगों के चेहरे में बहुत ही ज़्यादा वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स एंड एक्ने की प्रॉब्लम है और जिसकी डेड लेयर्स हो गई है मतलब वो यूज़ करें तो ठीक है, बट जिनकी स्किन अच्छी खासी है तो आप लोग यूज़ मत करो गाइस, एंड ये हमेशा यूज़ करने वाली नहीं है। तो मैं तो आप लोगों को बस इतना ही बोलूँगी कि हमेशा यूज़ करने वाली नहीं है, तो आपकी जब स्किन अच्छी है तो किस लिए झुरमुट का यूज़ करोगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको इसे लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा एक स्किन आपको मिल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बेकार में आपको पैसा वेस्ट हो जाएगा। और बट मैं तो रेगुलर नहीं करने वाली हूँ और ये मेरा वेस्ट जाएगा बस मुझे नहीं मालूम थी, और मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी स्किन कुछ भी नहीं है तो मैं इसको यूज़ छोड़ने का भी क्या करूँगी, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करने वाली हूँ। बस मैं देखना चाहती कि सही में ये मतलब वर्क करता है कि, तो ऐसा कुछ वर्क नहीं किया, बस मेरी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट लगी और थोड़ी सी लगी कि हाँ क्लियर हो गई, जैसे आप फेस वॉश करके आते हो तो क्लियर लगती है, जस्ट वैसे क्लियर लगी, तो बस और कुछ मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया तो मैं उसको यूज़ करने वाली नहीं हूँ। तो वो लेनी है तो आप लोग ले सकते हो, एक बार ट्राई कर सकते हो, वहाँ पर डिपेंड करती है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ एंड आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा वीडियो, और अगर यूज़फुल लगा होगा हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर देगा एंड शेयर कर दे, जो मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जाना। तो चलो गाइस आप लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, प्यारा सा वीडियो है, तब तक के लिए बाय।